हेलो एवरीवन, दिस इज जूही एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ JRF अड्डा। सो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। सो जब भी मैं अपना बायो स्टूडेंट्स को दिखाती हूँ, काफी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि कैसे मैंने 224 मार्क्स मैंने स्कोर किया। तो वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लास्ट 2 मंथ्स में मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, वो सारा आज मैं आपको बताने वाली हूँ। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को मैंने साथ में कैसे प्रिपेयर किया, तो वो आज मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ। अपना प्लान की किस तरह से मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी, तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखें। तो डायरेक्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से मैंने टारगेट किया था, 224 मार्क्स मैंने कैसे स्कोर किया। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि टारगेट हमें अपना सेट करना होता है, तो जैसे सोशियोलॉजी का जिस तरह से हमारा कट ऑफ रहता है, तो हमेशा 220+ ही आपको JRF के लिए टारगेट करना है। और अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 200+ फिर भी आपका टारगेट होना चाहिए। अब जैसे 224 मार्क्स स्कोर मुझे मैंने किया, तो मैंने भी अपना टारगेट 220+ ही रखा था। तो उसे मैंने पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों में अपना इक्वली डिवाइड किया था कि कैसे मैं स्कोर कर सकती हूँ। तो मैंने टारगेट किया था कि पेपर 1 में मैं अराउंड 35 to 40+ क्वेश्चन सही करूँ और पेपर 2 में मैं 75 to 80+ क्वेश्चन अपने सही करूँ। ये मेरा टारगेट हमेशा से था और इसी तरह से लगभग मैंने स्कोर भी किया। तो पेपर 1 में मैंने 36 क्वेश्चन सही किए और पेपर 2 में 76। तो ये मेरा एक स्कोर रहा था। तो इस तरह से आपको भी सबसे पहले अपना टारगेट सेट करना है कि किस तरह से आप कर सकते हो। जैसे मेरा ये था, अब अगर आपको 220 मार्क्स अगर हम टारगेट कर रहे हैं, तो 110 क्वेश्चन हमें सही करने। अब इन 110 क्वेश्चन को आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 में डिवाइड करना है। तो पेपर 1 में जैसे अगर आप 30+ भी अगर आप सही करते हो, तो फिर आपको पेपर 2 में 80+ सही करने होंगे। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो। तो जैसे मिनिमम आपको 30 रखने ही पड़ेंगे अगर आप 220 मार्क्स टारगेट कर रहे हो, और पेपर 2 में भी फिर आपको अराउंड 75 to 80+ इसी तरह से आपको डिवाइड करने होंगे। तो इस तरह से आपको सबसे पहले अपना टारगेट सेट करना है कि हमें किस तरह से स्कोर करना है। देन फिर हम बात करते हैं कि पेपर 1 की अगर मैं पहले बात करूं, तो मैंने कौन सी ऐसे यूनिट्स हैं जो मैंने मोस्टली टारगेट की थी लास्ट 2 मंथ्स में। तो मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया था, जैसे जो हमारी डेली प्रैक्टिस जैसे RC है, हमारे पेपर 1 में भी RC आता है एक, और पेपर 2 में भी हमारे 2 RC आते हैं। तो 5 क्वेश्चन मैंने टारगेट किया था कि मैं कैसे 5 out of 5 क्वेश्चन हमारे RC में सही करूं, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग पार्ट हमारा हो जाता है। तो डेली RC आपको प्रैक्टिस करना है। DI की प्रैक्टिस अभी से आपको डेली करनी है। अगर आपको बहुत ज्यादा वीक है, तो आप ट्राई करो कि डेली 2 DI आप प्रैक्टिस करो। तो डेली आपको 1 से 2 DI करना है, उसमें भी आप ट्राई करो 5 to 5 आप स्कोर करो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है अगर आपके सही होते हैं, क्योंकि DI आपको पता है कि 100% आपका 1 आएगा ही आएगा। तो आपको अभी से टारगेट करना है कि आप DI में आप बहुत अच्छा स्कोर करो। और अगर काफी सारे स्टूडेंट का जैसे ह्यूमैनिटीज वालों का मैथ्स थोड़ा वीक होता है, तो आप एटलीस्ट फिर भी आप ट्राई करो कि 3 क्वेश्चन आप DI के सही करो। और मेरे अकॉर्डिंग अगर अभी से भी आप डेली 2 DI प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, तो आप इजीली इसमें स्कोर कर सकती हो। तो इस चीज पर अभी से हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब बाकी कुछ ऐसे यूनिट्स है, फॉर एग्जाम्पल रिसर्च एप्टीट्यूड है, तो हमारा पेपर 1 में भी रिसर्च है, पेपर 2 में भी। तो रिसर्च को बहुत ज्यादा टारगेट हमें करना है। ICT है, लॉजिकल रीजनिंग है, ये सारे ऐसे यूनिट हैं जो बहुत स्कोरिंग हमारे लिए हैं, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो इनको हमें बहुत ज्यादा अच्छे से अभी लास्ट टाइम पे टारगेट करना है। और जैसे अगर एनवायरनमेंट की हम बात करें, तो पेपर 2 में भी हमारा एनवायरनमेंट है, तो PD आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। हायर एजुकेशन, तो ये आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। अब जैसे बात आती है मैथमेटिकल रीजनिंग की, तो मोस्टली ह्यूमैनिटीज वालों का वीक होता है। तो आप बाकी के अपनी 7 यूनिट्स आप अपनी ऐसी डिसाइड करो कि जहाँ से आप मोस्टली क्वेश्चन सही कर सको। फिर बाकी जो 3 यूनिट्स है, फिर अगर वहां से हम हमारे अगर क्वेश्चन सही अगर कम भी होते हैं, तो भी हम उसे बैलेंस अपना कर सके। तो 7 यूनिट से आप 70 मार्क्स इजीली 70+ मार्क्स आप अपने टारगेट कर सकते हो। तो आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी 7 यूनिट्स कैसे डिसाइड करो।
तो ये कुछ यूनिट्स मैंने आपको बताई जो बहुत अच्छे से, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन है, तो ये भी हम ये दोनों इंटर रिलेट करके पूछते हैं, तो ये भी हम काफी हद तक कर लेते हैं इनके क्वेश्चन। बट कुछ क्वेश्चन जैसे कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा अजीब क्वेश्चन भी हमारे आने लगे हैं, तो एक दो क्वेश्चन आप यहाँ पर छोड़ भी दो तो भी आप मान के चलो अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 to 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप बिल्कुल कर सकते हो, तो उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। मैथमेटिकल रीजनिंग मैं मानती हूँ हमें टफ लगता है, तो आप इसमें भी कुछ ऐसे ही जैसे कोडिंग डिकोडिंग वाले जो हमारे क्वेश्चन होते हैं या सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, वहाँ वो मोस्टली 2 क्वेश्चन तो आप मान के चलो ऐसे जो आते ही आते हैं, तो इन पे आप अभी से प्रैक्टिस करना ट्राई करो तो आप अच्छा पेपर 1 में स्कोर कर सकते हो। और फिर आपको डेली जो आपने टॉपिक पढ़े हैं उनका आपको रिवीजन अच्छे से करना है, भले ही कम टॉपिक आप पढ़ो बट उनका रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो, तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो जो डेली पढ़ने वाली चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी, आरसी और डेली आपको डेली करना ही करना है, तो ये स्पेशली और लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग के जो कोडिंग या सीरीज वाले क्वेश्चन है ये आप ट्राई करो कि आप डेली प्रैक्टिस करो, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब अगर हम पेपर 2 की अपनी बात करें तो पेपर 2 में भी हमारी 10 यूनिट्स हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूनिट्स है जो मैंने आपको हमेशा बताया है कि यूनिट 1, 2 एंड 3 है, ये हमारी सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट 1 में से आप मान के चलो कि लगभग 20+ क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। सेकेंड यूनिट हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड है, तो वहां से भी लगभग 10+, और थर्ड यूनिट हमारी बेसिक कंसेप्ट इन इंस्टीट्यूशन है, तो वहां से भी आप मान के चलो 20+ क्वेश्चन। तो अगर आप 80+ क्वेश्चन भी टारगेट कर रहे हो तो अराउंड 45 to 50 क्वेश्चन तो आप इन तीनों यूनिट से कवर कर सकते हो। अब इसमें से इतने ज्यादा मैंने क्वेश्चन क्यों बोला, क्योंकि यूनिट 1 में हमारे 26 थिंकर्स है, तो आप सबको पता है यही जो थिंकर्स है वो हमारे बाकी यूनिट्स में भी हमें काम आते हैं, तो बाकी यूनिट से भी वो हमारे रिलेट हो जाते हैं, तो वो भी मैं सारे टॉपिक्स जो है उनके यूनिट 1 में ही एक साथ पेयर कर लेती थी। तो सपोज जैसे मैंने एक थिंकर है एमाइल डर्खाइम, उनका मैंने यूनिट 1 में तो हम उनको पढ़ते ही हैं, बट बाकी यूनिट में भी हम उनको पढ़ते हैं, तो एक पेज पे जैसे मैंने इमाइल दरखाइम का नेम लिखा और उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे सिर्फ उनके अगर आप नेम्स भी नोट कर लेते हो ना, तो काफी वो हेल्पफुल आपके लिए हो सकते हैं रिविजन के लिए। तो मैंने इसी तरह से किया था कि एक पेज पर जैसे इमाइल दरखाइम है तो उनके सारे जो कंसेप्ट है उनके नेम मैंने नोट डाउन कर लिए, जैसे सुसाइड हम उनका पढ़ते हैं तो जो 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड है उनके नेम याद रख लिए, और कीवर्ड उनके मैंने सारे नोट डाउन कर लिए क्योंकि कीवर्ड से ही मोस्टली हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह के शॉर्ट नोट्स आपको लास्ट मोमेंट के लिए अब आपको प्रिपेयर करने हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा लेंथी नोट्स हमें कभी भी नहीं बनाने होते, तो अब जो नोट्स आपको बनाए हैं लास्ट मोमेंट पे इन्हीं को आपको शॉर्ट नोट्स में उन्हें कन्वर्ट करना है। इस तरह से आप सारे थिंकर्स के कीवर्ड्स जैसे एमाइल डर्खाइम में आप सारे थिंकर्स के प्रिपेयर कर लीजिए। सोशियोलॉजी में वैसे हम देखा जाए तो लगभग 70 to 80+ थिंकर्स हमें पढ़ने को मिल जाते हैं, बट उसमें भी आप देखो तो 35 to 40 ऐसे होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं, तो 26 थिंकर्स तो हमारे यूनिट 1 से ही निकल के आ जाते हैं, और बाकी 10 to 12 जो और इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं हमारे तो वो भी हमें अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो सारे थिंकर्स का आप ट्राई करो कि एक पेज पे उनके सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो नोट डाउन करो, और ये जो चीजें हैं ये आपको डेली इन्हें रिवाइज करना है, क्योंकि बिना रिवीजन के तो अब नहीं होगा, जितना भी आपने पढ़ा है अब उसे कंसोलिडेट करने का टाइम है, तो उस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है कि जितने टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं उनको आपको डेली रिवाइज करना है। तो जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं वो मैंने आपको बताई ही कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करनी है, बाकी की जो यूनिट्स हैं आप देखो कि लगभग हमारे 30+ क्वेश्चन बनते हैं, तो 7 यूनिट्स में से 30+ क्वेश्चन आप कैसे निकाल सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको फिल्टर करने हैं कि क्या ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हमारे मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो यूट्यूब पर मैंने आपके लिए सारे यूनिट वाइज पूरा डिकोड किया है सिलेबस, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने आपको सारे बताए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस आप देखो जाके, तो आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे, फिर उन टॉपिक के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया आपको अपने जैसे 60 डेज भी अगर हम मान के चले, और 60 डेज में अगर डेली आप 5 टॉपिक्स भी प्रिपेयर करते हो तो टोटल आप देखो तो 300 टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर लेते हो, और 300 टॉपिक्स अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करो तो मेरे अकॉर्डिंग वो कम नहीं होते, बट आपको ये है कि जरूरी नहीं है आप 1000 टॉपिक पढ़ने जाओ, अगर आप 300 भी पढ़ रहे हो ना तो उन टॉपिक्स को इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है कि उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो जैसे हम देखें
150 क्वेश्चंस हमारे बनते हैं टोटल 300 मार्क्स के। अब हमारा टारगेट कितना है 220 प्लस मार्क्स का, तो उसके लिए हमें 110 क्वेश्चन सही करने। अब आपने 300 टॉपिक्स पढ़े, तो क्या इन 300 टॉपिक्स में से आप 110 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते? बट जो कंडीशन यही है, आपने टॉपिक सही सिलेक्ट किए हो, आपने टॉपिक्स वही सिलेक्ट किए हो जो मोस्टली हमसे पूछे जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड। अब हमें अपनी पढ़ाई करनी है, तो आपको इस तरह से टारगेट करना है कि उन 300 टॉपिक्स में से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छा है जो आपने पढ़ा है उनको ही इतने अच्छे से आप प्रिपेयर करो कि उसमें से हमारे बिल्कुल भी गलत ना हो। तो इस तरह से आपको ट्राई करना है कि कैसे आप 220 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और मैंने किस तरह से 224 मार्क्स स्कोर किए थे, तो वही स्ट्रेटेजी मैंने अभी तक आपको बताई है। अब हमने टॉपिक्स अपने फिल्टर कर लिए, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। अब जो नेक्स्ट सेकेंड स्टेप हमारा आता है वो है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। तो PYQs आपको बहुत अच्छे से ज्यादा PYQs सॉल्व करने हैं। कितने इयर्स के सॉल्व करने हैं, तो मैंने आपको बताया 2018 से 2023 के, क्योंकि इससे पहले 2018 से ही NTA ने हमारा पेपर कंडक्ट करना स्टार्ट किया है। तो उससे पहले का पैटर्न हमारा थोड़ा डिफरेंट था, जब CBSE कंडक्ट कराता था तो 2018 से ही CBT मोड में हमारा पेपर होना स्टार्ट हुआ है। तो आपको भी ट्राई करना है, हमेशा CBT मोड में ही आप प्रैक्टिस करो। तो 2018 से 23 के आपको सारे प्रीवियस पेपर सॉल्व करने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि UGC की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारे पेपर्स मिल जाते हैं, तो वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और जब आप ये आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं, तो आप डिफरेंट सेट एग्जाम्स हैं उनके भी पेपर आप इजीली ट्राई करो कि सॉल्व करो। जैसे वेस्ट बंगाल सेट है, MP सेट अभी रिसेंट में हुआ है, राजस्थान सेट, कर्नाटक सेट, JK सेट अभी हाल ही में हमारा 1 अक्टूबर को हुआ है। तो इनके जो क्वेश्चन है इनको आप ट्राई करो कि अभी लेटेस्ट पैटर्न के जो हमारे एग्जाम्स हुए उनके आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं। तो अगर आप देखो तो 2018 से 23 था, तो 5 to 6 हमारे और ज्यादा ही, मतलब 2 बार साल में एग्जाम, अभी बीच में एक एक बारी हो रहा था, तो अराउंड आप देखोगे 5 to 7 आपको पेपर सेट मिल जाएंगे। तो अगर हर सेट में आप पेपर 2 का भी अगर हम लें तो 100 क्वेश्चन होते हैं, 7 लगभग 6 to 700 क्वेश्चन। अगर आप अच्छे से उन्हें एनालाइज करो तो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आप सेट के भी पेपर सॉल्व करते हो तो लगभग 1000 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 1000 क्वेश्चन बहुत होते हैं, आप काफी 1000 क्वेश्चंस में से अगर आप हम देखें तो इजीली 500 टॉपिक्स आप हंट कर सकते हो। मैं तो आपसे 300 टॉपिक्स की ही बात कर रही हूँ, तो एक दिन में मुझे नहीं लगता कि आप 5 टॉपिक्स प्रिपेयर ना कर पाओगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हम 1 घंटे में भी इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप ऐसा टाइम है कि हमें डेली 8 आवर्स अपनी स्टडी को देना ही देना है, इससे कम में फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हो या होम मेकर्स हो, तो भी आपको ट्राई करना है कि मिनिमम 5 to 6 आवर्स आपको निकालने ही पड़ेंगे अपने लिए, चाहे आप दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो या सुबह पढ़ो। तो इस तरह से अब आपको प्रिपेयर करना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज टॉपिक्स और PYQs वो आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। फिर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड स्टेप आता है वो है हमारा मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट अब आपको सॉल्व करने हैं, तो आप ट्राई करो कि जो लास्ट का 1 month है वो आप कंप्लीटली अपने रिवीजन के, अभी आपके पास जैसे 2 महीने है, तो 1 महीने में आप जो टॉपिक्स हैं अपने वो आप सारी 10 यूनिट्स रिवाइज करो। तो 30 डेज है, तो अगर आप 5 डेज भी एक यूनिट को देते हो तो आप काफी काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो। अब कुछ ऐसी यूनिट जैसे यूनिट 1 है, उसमें लगभग हमें 8 to 10 डेज भी लग सकते हैं, तो वो आप दे सकते हो। बट फिर लास्ट की जो यूनिट है जैसे एनवायरमेंट है, तो वो आप इजीली 1 2 दिन में भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है कि कैसे आप किस यूनिट को कितना टाइम दो। तो 1 महीने में आप ट्राई करो कि पूरा अपना रिवाइज करो, फिर जो लास्ट का 1 month है उसमें हमें रिविजन और मॉक टेस्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो अभी लास्ट 2 months में हमें सबसे ज्यादा फोकस करने हैं। इसी तरह मैंने भी अपना रिवीजन और जो डेली रिवीजन वाली चीजें हैं जैसे वो मैंने आपको बताया, तो जैसे थिंकर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको डेली रिवाइज करने हैं। यूनिट वाइज आपको टॉपिक्स की लिस्ट नोट डाउन कर ली है और किस थिंकर ने जो कॉन्सेप्ट दिया है, यूनिट वाइज आपको लिस्ट बनानी है, उसको आपको डेली रिवाइज करना है। बुक्स एंड ऑथर्स के हैं वो आपको डेली रिवाइज करने हैं, हमेशा मैंने आपको बोला है। और जो सोशल मूवमेंट्स काफी ज्यादा हमसे पूछे जाते हैं, जैसे एनवायरमेंटल मूवमेंट है, सोशल मूवमेंट है, या पीजेंट एंड फार्मर्स मूवमेंट है, तो उनका ईयर, उनके लीडर्स, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं।
और कंसेप्ट्स एंड प्रोपोनेंट्स मैंने आपको बताया। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको डेली एक्ट्स एंड लॉज जो है जो यूनिट एज में हम पढ़ते हैं और एनवायरमेंट के जो भी हैं उनको आपको, तो ये आपका डेली अभी प्लान होना चाहिए कि ये चीजें मुझे डेली रिवाइज करनी है। डेली 5 टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, पेपर 1 के, पेपर 2 के, तभी आपको। और पेपर 2 पे जैसे अगर आप 8 आवर्स भी दे रहे हो तो 5 आवर्स आप ट्राई करो कि आप अपने पेपर 2 को दो और 3 आवर्स एटलीस्ट अपने पेपर 1 को दो। तो आपको अपना टाइम डिवाइड कर लेना है कि किस तरह से आप डिवाइड। पेपर 2 को थोड़ा सा हमें ज्यादा टाइम इसलिए भी देना होता है क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा होता है। जैसे पेपर 1 में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे पर पेपर 2 में आपसे ऑलमोस्ट डबल 100 क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए उसलिए हमें उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। तो इस चीज पे हमें फोकस करनी है। और अब लास्ट टाइम है तो मैंने आपको बताया बिल्कुल फिल्टर्ड कंटेंट आपको पढ़ना है, मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल जो फोकस्ड स्टडी है अब उसी पे ही आपको फोकस करना है। तो अब ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहाँ पे? तो एक तरीका तो है आपके पास कि आप YouTube से प्रिपेयर करो, बट YouTube पे आपको खुद से सारी मेहनत करनी होगी। बट बाकी जो स्टूडेंट चाहते हैं कि अब हमें अपना टाइम सेव करना है, बिल्कुल हमें पूरा मटेरियल तैयार मिल जाए, पूरा प्लान हमें तैयार मिल जाए, सिर्फ उसे पढ़ने का काम हमें करना है, तो वो स्टूडेंट मुझे मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर पूरे वीडियो कोर्सेज आपको मिल रहे हैं, लाइव कोर्सेज आपको यहाँ पर सारे मिल रहे हैं। तो सारे प्रिपेयर में आपको अच्छे से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको अभी तक बताए हैं पहले की क्लासेस में भी, तो वो वहां मैं आपको एकदम डिटेल में अच्छे से कवर करा रही हूँ। कुछ भी आपको कंटेंट वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारे PDFs आपको मिल जाते हैं। तो आपको बस उतना अपना रिवीजन में टाइम देना है। PYQs में आपको सारे सॉल्व कराती हूँ वहां पर, तो 22, 23 के और उससे पहले के जो पेपर्स हैं वो भी मैं आपको सॉल्व कराती हूँ। सॉरी, टेस्ट सीरीज आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की वहां मिल जाती है। तो मैंने आपको बताया मॉक टेस्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी, तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं वो कोर्स ले सकते हैं। कोर्स अभी लास्ट टाइम में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि आपको प्रॉपर पूरा कंटेंट एक जगह सब पूरा सिस्टमेटिक वे में, अगर आप पढ़ाई करना चाहते, और अभी लास्ट टाइम में हमें सिस्टमेटिक वे में ही पढ़ाई करनी है, तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जब आपको सारा कंटेंट आपको मिल जाता है तो जो टाइम आपका सेव होता है वो आप रिवीजन में और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आप वो अपना टाइम दे सकते हो। तो इस तरह से अब आपको प्रिपेयर करना है। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं मेरे साथ प्रिपेयर करना वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस आपके सामने है और 6 मंथ्स वैलिडिटी हमारे कोर्स की होने वाली है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और अभी अपकमिंग डेज में काफी सारे एग्जाम हैं, तो दिसंबर एग्जाम अभी आपका है, फेब में मैंने आपको बताया कि गेट का एग्जाम आपका है, मई में आपके MP असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स हैं, वो भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, और फिर जून में हमारा वापस ये एग्जाम है उसकी भी डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। तो इस तरह से अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो जो भी स्टूडेंट मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं वो मुझे JRF Adda ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं, और जो यूट्यूब के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं क्लासेस लेकर आती हूँ, तो वो यूट्यूब पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 का भी मैंने आपको बताया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आप पेपर 1 का भी कोर्स लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, और 10% डिस्काउंट भी अभी आपके लिए चल रहा है, तो आप डिस्काउंट रेट में भी ले सकते हैं। सिर्फ जैसे लास्ट चांस है आप लोगों के पास, इसके बाद शायद रजिस्ट्रेशन भी आप लोगों के बंद हो जाएंगे, तो आखिरी चांस है बिल्कुल आपके पास, तो आप हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। F10 कोड लगा के आप 10% डिस्काउंट भी अवेलेबल कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, लास्ट अपॉर्चुनिटी, काफी अच्छा मौका है आपके लिए। अगर आप दिसंबर में बिल्कुल आप चाहते हो कि JRF मुझे करना ही है, तो आप मेरे साथ प्रिपेयर कर सकते हो। आपको सिर्फ JRF Adda ऐप को इंस्टॉल करना है, तो वहां पर आप कोर्स के बारे में पूरा पढ़ सकते हो। हेल्पलाइन नंबर आपके लिए अवेलेबल है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। और जो हमारे फ्री लर्नर्स हैं, जो यूट्यूब है, तो यूट्यूब के सारे जो फ्री PDFs हैं वो भी आपको JRF Adda ऐप पर मिल जाए। डेली फ्री क्विजेस भी आपको मिलती हैं, बिल्कुल टाइमर के साथ आपको डेली 5 क्वेश्चंस वहां पर मिलते हैं, तो आप डेली काफी अच्छे से उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपको डेली प्रैक्टिस करने ही चाहिए वो क्वेश्चंस, तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो जो भी हमारे लर्नर्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं।
हमारे साथ बाकी और भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो अगर आप किसी को सजेस्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। सो आज का वीडियो हम यही तक रखते हैं, होपफुली आपको मेरी स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है वो भी आप मुझे कॉमेंट करके बताइए। सो आज के लिए हम यही तक रखते हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बिल्कुल अच्छे से अपनी जेआरएफ की तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल 2 मंथ्स अभी हमारे पास है, तो इसका बहुत अच्छे से आपको यूज करना है, स्मार्टली आपके साथ आपको प्रिपेयर करना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।